देश 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को मुंबई स्थित विले पार्ले पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष उत्तर मुंबई राजेश मेहता द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार, विधायक पराग अलवानी, विधायक अमित साटम, पूर्व नगर सेविका सुनीता मेहता और बीजेपी कार्यकर्ता और भारी संख्या में आम जनता भी इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा झंडा लिए सभी एक साथ राजेश मेहता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और भारत माता जय जय हिंद के जयकारे से विले पाले भक्ति रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस यात्रा में झांकी भी नजर आई, एक अद्भुत दृश्य देखने मिला। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। चाहेंगे आज तिरंगा रैली निकाली जा रही है। देखिए, देश के आजादी का अमृत महोत्सव अब मनाते समय हर घर तिरंगा, ये माननीय मोदी जी ने आह्वान किया और हम देखते हैं कि बड़े उत्साह के साथ हर घर में तिरंगा तो लगा ही है, लेकिन हर गली में कुछ ना कुछ कार्यक्रम अमृत महोत्सव के निमित्त अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक देशभक्ति की एक जबरदस्त लहर पूरे देश के कोने कोने में चाहिए। आज हम लोग घर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में हमारा जो 75 ईयर्स है अमृत महोत्सव, उसी के संदर्भ में हम लोग ने रैली निकाली है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे वार्ड के सारे सिटीजन्स बहुत ही खुश है और बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, तो ये हमको जो आज़ादी मिली है उसी का जश्न हम लोग आज मना रहे हैं। आज जो रैली निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये हम लोग पूरा अंधेरी और पार्ला पूरा कवर करेंगे, दो विधानसभा हम लोग कर रहे हैं। तो मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में रैली निकाली। आज आप देख रहे हैं कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हुए और उसके उपलक्ष्य में आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देख रहे हैं इतनी बरसात में भी लोगों का उत्साह देखिए, हजारों की संख्या में आज इस भारत का है जो तिरंगा शान से फहराने के लिए आज लोग यहां पर उपस्थित है और आज पूरे हमारे विले पार्ले और अंधेरी के क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। और जिससे आपने देखा होगा कि एक छोर कहाँ पर है और दूसरा छोर कहाँ पर है, लोगों में उत्साह है, जोश है और राष्ट्रभक्ति का जज्बा है और यही जज्बा, राष्ट्रभक्ति का जज्बा हमें कायम रखना है।